एक अच्छे और प्रभावशाली पीएचडी या शोध टॉपिक का चयन कैसे करें? हाउ टू चूज ए गुड एंड इफेक्टिव पीएचडी और रिसर्च टॉपिक। आज का विषय उन नए रिसर्चर्स के लिए महत्व का है जो पीएचडी, एमफिल या कई मास्टर्स लेवल का कोई रिसर्च कर रहे हैं या किसी अन्य प्रकार का रिसर्च करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हों कि एक जेन्युइन और अच्छा टॉपिक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। ऑफनली नए रिसर्चर्स कहीं से भी कोई रैंडमली टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं या किसी से पूछ लेते हैं और उसमें किसी पुरानी सिनॉप्सिस के आधार पर अपना टॉपिक तैयार कर लेते हैं, बिना प्रॉपर रिव्यू के टॉपिक को फाइनल कर लेते हैं, जिसके कारण आगे जाके उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है इसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। तो उस दिशा में जाने से पहले हम यह जान लें कि वो बेसिक पॉइंट्स क्या हैं जो अच्छे रिसर्च टॉपिक के सिलेक्शन में ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है नीड ऑफ द स्टडी और रिसर्च। क्या हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी हमारे सब्जेक्ट में नीड है या हम बिना उस नीड के उस रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट कर ले रहे हैं? क्या वो रिसर्च के आउटकम जो होंगे हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को, हमारे सब्जेक्ट को कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि जो रिसर्च प्रोसीजर होता है लॉन्ग टर्म चलता है। पीएचडी का रिसर्च 3 से 4 साल, 4 से 5 साल तक चल जाता है। एमफिल का रिसर्च 1 से 2 साल तक चल जाता है। तो उतने लॉन्ग पीरियड में होने वाले काम में अगर हम बिना किसी नीड के उस काम को करेंगे तो वो न अपने लिए, न सुपरवाइजर के लिए, न उस इंस्टीट्यूट के लिए लाभकारी है। तो रिसर्च ऐसा होना चाहिए जिसकी आवश्यकता हो, जिसका जेन्युइन नीड हो उस फील्ड को, जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहला और बेसिक पॉइंट ही है, बेसिक नीड ही ये है कि नीड ऑफ द स्टडी और रिसर्च आपकी है कि नहीं। और सेकंड जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी रिसर्च में, रिसर्च टॉपिक के सिलेक्शन में, वह होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं क्या आप उस एरिया के एक्सपर्ट हैं? आप नए हैं तो क्या आपका उस एरिया में इंटरेस्ट है या कुछ पूर्व अनुभव है? कि बिना इंटरेस्ट के, बिना एक्सपर्टीज के वो रिसर्च लेबोरस और बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों जो पॉइंट्स हैं किसी भी रिसर्च टॉपिक के सिलेक्शन में, रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा महत्व के हैं, इसको हमेशा ध्यान में रख के रिसर्च टॉपिक का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट्स नहीं होंगे तो वह रिसर्च टॉपिक या वो रिसर्च अच्छे रेपूटेड जर्नल में पब्लिश नहीं होगा, एक फॉर्मेलिटी न बन के रह जाए आपका रिसर्च। इसलिए इन दो पॉइंट्स को याद रखना हमेशा आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रॉन्ग स्टेप्स स्टूडेंट्स टेक। ऐसे क्या रॉन्ग स्टेप्स हैं जो स्टूडेंट्स उठाते हैं किसी टॉपिक के सिलेक्शन में, जो नए रिसर्चर्स को इसके बारे में जानना चाहिए? तो सबसे पहला, गेटिंग द टॉपिक विदाउट प्रॉपर रिव्यू। हम कहीं से भी कोई टॉपिक उठा लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं, गाइड से पूछ लिया या किसी एक्सपर्ट से, किसी अन्य से पूछ लिया या किसी दोस्त से पूछ लिया या कहीं सर्च कर लिया, तो उस टॉपिक को हम फाइनल कर लेते हैं। एक्सपर्ट से पूछना बहुत आवश्यक है रिसर्च के लिए, लेकिन उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है क्या? उस टॉपिक पे आपने प्रॉपर रिव्यू किया है क्या? अगर ये दो चीज़ के बिना आप किसी से पूछ के भी चाहे टॉपिक ले लेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो, तो आपका वो रिसर्च टॉपिक आपके लिए उतना लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है उस फील्ड का और आपका इंटरेस्ट नहीं है। वो आगे जाके आपको बोरिंग लगने लगेगा, आप अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहला जो हम गलती करते हैं वो टॉपिक ले लेते हैं बिना किसी प्रॉपर रिव्यू के, और दूसरा उसमें क्या करते हैं, हम सिनॉप्सिस तैयार कर लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं, किसी से पुरानी सिनॉप्सिस ले लेते हैं, उस पर उस आधार पर उस सिनॉप्सिस को बना लेते हैं अपने, या प्रपोजल या ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं अपने रिसर्च का और आगे बढ़ जाते हैं। तो टॉपिक लेना, किसी पुरानी सिनॉप्सिस के आधार पर उसको तैयार कर लेना और रिसर्च अपना चला देना, वो फॉर्मेलिटी तक का रह जाता है। वो रिसर्च, उस रिसर्च की साइंटिफिक वैल्यू एकदम कम हो जाती है। राइट स्टेप टू चूज द पीएचडी और रिसर्च टॉपिक। किसी भी पीएचडी और रिसर्च टॉपिक के सिलेक्शन में राइट स्टेप्स क्या होते हैं? हमने प्रीवियस स्लाइड में ये जाना कि रॉन्ग स्टेप्स क्या उठाते हैं स्टूडेंट्स, अब हम यह जानेंगे कि राइट स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी रिसर्च का एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है अपने सब्जेक्ट में। जैसे मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ,
और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो ये दो ब्रांचेज मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहलाएंगे। मैं नेक्स्ट में आता हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो चूजिंग द स्पेसिफिक सब एरिया इन द सब्जेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत बड़ा एरिया है, उसमें से भी हम एक स्पेसिफिक सब फील्ड चूज करते हैं कि इसमें भी मेरा स्पेसिफिक इंटरेस्ट इसके अंदर भी किस में है। जैसे मेरा पॉजिटिव साइकोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा पसंद करता हूँ और क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेंटल हेल्थ को ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मेरे स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ ये दो स्पेसिफिक सब फील्ड्स होते हैं जिस पर मैं इंटरेस्टेड हूँ, जिस पर मैं काम करना चाहता हूँ। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, वो रिव्यूइंग और रिलेटेड लिटरेचर एंड पास रिसर्च। उसके बाद जब स्पेसिफिक सब फील्ड में हम रिव्यू करना शुरू करते हैं, किसी भी टॉपिक के सिलेक्शन में सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है वो है रिव्यू करना। बिना रिव्यू के किया हुआ रिसर्च टॉपिक का निर्माण बिल्कुल इनवैलिड होता है, इसलिए रिव्यू करना। फिर उसके बाद रिव्यू प्रोसीजर आता है। जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ मेरे सब फील्ड हैं जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ, तो फिर मैं इसके अंदर रिव्यू करना शुरू करता हूँ कि जो पास्ट रिसर्चेज हुई हैं वो इस फील्ड के अंदर कौन कौन सी हुई हैं, किस किस टॉपिक में हुई हैं, किस किस टाइटल के ऊपर हुई हैं। जैसे मैंने मान ले जाए मैं 200 या 250 में रिसर्च पेपर ऐसे ढूंढ लेता हूँ जो स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ से जुड़े हैं या इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं। उन पेपर को रिव्यू करने के बाद मैं ये पाता हूँ कि 100 से 150 रिसर्च पेपर ऐसे हैं जो मेरे इन सब फील्ड से स्पिरिचुअलिटी और मेंटल से डायरेक्ट रिलेटेड है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू रिसर्च। ऐसे रिसर्च उन रिसर्च पेपर्स को रिव्यू करते हुए बार बार उनको देखते हुए तो हमें ये फील होता है कि शायद इस एरिया में कुछ नया रिसर्च हो सकता है, कमी महसूस होती है, एक हमारे अंदर एक सेल्फ सजेशन आने लगता है, हमारे अंदर इंसाइट क्रिएट होने लगती है कि इस एरिया में काम हो सकता है, इस एरिया में कुछ कमी है, शायद इस एरिया में काम होने की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ जो मैंने उदाहरण दिया उसी की बात करें तो मुझे लगता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है या माइंडफुलनेस है, ये नए ऐसे कॉन्सेप्ट जिनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, और मेंटल हेल्थ में हैप्पीनेस के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ या कुछ लाइफ सेटिस्फैक्शन के ऊपर काम कर सकता हूँ या कुछ अन्य ऐसा कुछ निकल गया है जिनके साथ आपस में मैं संबंध देख सकता हूँ या कुछ अन्य प्रकार का सजेशन जो किसी और सब्जेक्ट से भी जुड़ा हो। इस तरीके से मेरे अंदर एक सजेशन आने लगता है, रिसर्चर्स के अंदर सजेशन आने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है वो होता है फाइनलाइजिंग द टॉपिक। इतना सब करने के बाद में टॉपिक फाइनलाइज हो जाता है, क्योंकि आप सारे रिलेटेड रिसर्च आपने पढ़ लिया, आपको समझ आ गई, आपको डिजाइन का पता चल गया, आपको पता चल गया कौन सी मेथोडोलॉजी में लगा सकता हूँ, क्योंकि आपने सारे रिलेटेड रिसर्च आपने देख लिया, तो आधा आपका तो यहीं सब तैयार हो जाता है। उस प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम कहीं से टॉपिक ले आते हैं, उस पर हम फिर रिव्यू लिखने लगते हैं, फिर उसमें मेथोडोलॉजी लिखने लगते हैं, फिर एक फॉर्मेलिटी करने, जबकि इसमें उल्टा है। सारा रिव्यू मेथोडोलॉजी तो हम जान चुके होते हैं टॉपिक के सिलेक्शन तक ही, उसके बाद तो हमने उसको अप्लाई करना होता, तो फाइनलाइज हो जाता है टॉपिक, और फाइनलाइज होने के बाद में फिर हम सिनॉप्सिस बनाते हैं और रिसर्च में आगे बढ़ते हैं। तो यह है राइट स्टेप टू चूज, जो सही स्टेप्स है पीएचडी टॉपिक के सिलेक्शन में। इस प्रोसीजर से चूज किया गया रिसर्च टॉपिक हाईली कंसिडरेबल होता है, रिसर्चर को सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रदान करता है, अपने इस रिसर्च टॉपिक का मास्टर बना देता है, और इस प्रोसीजर से किए हुए रिसर्च को रेपुटेड जर्नल के लिए भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो रेपुटेड जर्नल्स होते हैं उनको इसी प्रकार के रिसर्चेज की तलाश होती है जो जेन्युइन होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपेरिजन ऑफ द बोथ मैथड्स। एक पहला मेथड था जिसमें हम कोई रैंडमली टॉपिक ले लेते हैं, दूसरा मेथड था जिसमें हम प्रॉपर रिव्यू करते हैं, जिसके बारे में हमने भी चर्चा की प्रीवियस स्लाइड में। कहीं से रैंडमली लिए हुए टॉपिक को हमने यहाँ पर टॉपिक फर्स्ट का नाम दिया हुआ है, और प्रॉपर रिव्यू मेथड से और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप किए हुए टॉपिक सेलेक्शन को हमने यहाँ पर रिव्यू फर्स्ट का नाम दिया है।
टॉपिक फर्स्ट में जहाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, वहीं दूसरी साथ रिव्यू फर्स्ट में थ्रू आउट इंटरेस्ट देखने को मिलता है रिसर्चर का, और टॉपिक फर्स्ट में जहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होते हैं और फॉर्मेलिटी बन के रह जाता है रिसर्च, वहीं दूसरी साइड रिव्यू फर्स्ट जेन्युइन रिसर्च रहता है। टॉपिक फर्स्ट में जहाँ लेस चांस फॉर कंसिडरिंग रेपुटेड जर्नल्स होता है, उनका अच्छे जर्नल्स में कंसिडर होने के चांस कम होते हैं, वहीं रिव्यू फर्स्ट वाले टॉपिक सिलेक्शन में अच्छे जर्नल में पब्लिश होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जहाँ टॉपिक फर्स्ट में लिमिटेड डेवलपमेंट इन रिसर्च स्किल्स होती है, रिसर्चर की जो स्किल डेवलपमेंट होती है लिमिटेड होती है, क्योंकि उसने प्रॉपर ढंग से टॉपिक का सिलेक्शन नहीं किया होता है या प्रॉपर ढंग से रिसर्च प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया होता है। ऑन द अदर हैंड, रिव्यू फर्स्ट वाले मेथड में ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च स्किल होता है, वो समग्र विकास होता है उसके रिसर्च स्किल का। टॉपिक फर्स्ट में गाइड या मेंटर प्रोएक्टिव हो जाता है, उसके आधार पर रिसर्च ढल जाता है, उसके ढंग से रिसर्च का जो प्रोसीजर होता है वो चलता है। ऑन द अदर हैंड, रिव्यू फर्स्ट में रिसर्चर प्रोएक्टिव होकर काम करता है, जिसका फायदा रिसर्च में देखने को मिलता है, क्योंकि गाइड और रिसर्चर दोनों के इफेक्ट उसमें कलेक्टिवली काम करते हैं। टॉपिक फर्स्ट में जहाँ रिसर्चर को डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाता है विथ लेस नॉलेज, कम नॉलेज के साथ में डिग्री मिल जाती है, जबकि रिव्यू फर्स्ट में रिसर्चर को डिग्री भी मिलती है, डिग्री के साथ साथ उसको नॉलेज भी मिलता है। आई होप कि वीडियो नए रिसर्चर्स के लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।